तो हम लोग करने लगे अगला टॉपिक स्टार्ट हमारे सीवीएस मेडिसिन में, दैट इज एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक सेमिनर वैल्व। आपको याद होगा कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जब ब्लड पंप होना होता है उसके दरमियान में जो वैल्व होता है वो आपका एओर्टिक सेमिनर वैल्व है। अब ये वैल्व अगर स्टीनोस होते हैं, कोई बात है, स्टीनोसिस का मतलब होता है तंग हो जाए इसके दरमियान में रसद, ये पूरा ना खुले, तो उसको हम एओर्टिक स्टीनोसिस कहते हैं। इंडेफिनेट सी बात है, उसके फीचर्स का वैसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है और हम उसको देख लेते हैं किस तरह से सिनेरियो आएगा और आपने क्या लिखना है क्या होता है। वैसे पहली बात, कॉज क्या होता है, तो डिफरेंट एज के हिसाब से डिफरेंट कॉज होते हैं। बच्चों में अगर प्रेजेंट हो रहा है तो डिफरेंट सी बात है, उसका मेन कॉज कंजेनिटल ही होता है, छोटे बच्चों में या इन्फेंट्स में अगर वो आ रहा है तो। अगर वो यंग पीपल में है तो यंग पीपल या यंग या मिडिल एज के जो लोग होते हैं अप टू 40, उनमें ज्यादातर कॉज होती है कि पहले से वैल्व उनका कंजेनिटली बायकस्पिड था, यानी दो कस्प से, ओरिजिनली तो तीन होने चाहिए ना, लेकिन उनके वैल्व में दो थे और पहले फंक्शन ठीक चलता रहा, लेकिन अब जैसे एज के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उनकी कैल्सिफिकेशन हो रही है, कैल्सिफिक डिपॉजिट्स उन पे आ रहे हैं, तो अब उनका फंक्शन ठीक नहीं हो रहा, तो इसलिए वो प्रेजेंट करें। तो यंग पीपल में प्रेजेंट करने की एक ये वजह हो सकती है कि कंजेनिटल बायकस्पिड है और अब वो प्रेजेंट हो रहा है जब उसकी मसला हो रहा है कैल्सिफिकेशन का। और दूसरा हो सकता है रूमेटिक फीवर, यानी रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसका मैंने बताया था, लेकिन रूमेटिक हार्ट डिजीज में सबसे पहले आपको मिट्रल वैल्व हमेशा इफेक्ट होता है, उसके बाद एओर्टिक होता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है ओल्ड एज, तो ओल्ड एज में आपका वैसे भी वैल्व हो सकता है कैल्सिफाई, हो सकता है फाइब्रोस, हो सकता है, आपको पता है ओल्ड एज के साथ साथ वैसी कैल्सिफिकेशन फाइब्रोसिस का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट्स आपके प्रेजेंट कर सकते हैं विद दिस डिजीज, ठीक है। ओल्ड एज में कोई जरूरी नहीं होता कि आपका कोई खास एबनॉर्मेलिटी हो, और जाहिर है रूमेटिक हार्ट डिजीज तो किसी भी एज में हो सकती है। अच्छा, हमारे पास इसमें क्या किस्सा कहानी होगा कि आपको पता है कि इस वैल्व में ब्लड को भेजना है, इस वैल्व के थ्रू ब्लड ने जाना है आपकी सारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यहाँ पर रास्ता तंग है तो पीछे की तरफ आपका सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा हो रहा है, मतलब ये कि ब्लड आगे जा जरूर रहा है लेकिन रास्ता तंग है तो पीछे जो प्रेशर पड़ रहा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे पड़ रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे पहले उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को इंक्रीज इन साइज कर देते, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाती है, एलवीएच हो जाता है। इस एलवीएच की वजह से ज्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप कर देता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और जब ज्यादा प्रेशर से करते हैं ना तो ब्लड आगे ऑलमोस्ट नॉर्मली चला जाता है, तो तकरीबन अगर ज्यादा रास्ता तंग नहीं है, मतलब स्टीनोसिस अगर सवेयर नहीं है, तो तकरीबन कार्डिक आउटपुट ऐसे पेशेंट्स का मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। और वो मेंटेन्ड ऐसे ही नहीं रहता, वो इस कॉस्ट पे रहते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हाइपरट्रोफी हो चुका है और वो ज्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। इस कॉस्ट की बेसिस पे आपका जो कार्डिक आउटपुट है वो मेंटेन रहता है। लेकिन अब हमारे पास दूसरा मसला जो यहाँ पर हो सकता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने हाइपरट्रोफी तो कर दिया, ब्लड तो आगे बेचारा भेज रहे, लेकिन अब जब ये हाइपरट्रोफी हो गया है तो पहले अगर एक वॉल इतनी थिक थी, एक चीज इतनी थिक थी, तो उसको खाने के लिए थोड़ी चीज चाहिए थी, यानी कि वो थोड़े ब्लड से भी, अब उसको ब्लड सप्लाई मिलती थी, थोड़े न्यूट्रिशन से भी वो राजी हो जाता था। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल इतनी थिक हो गई है, अब इतनी थिक वॉल को खाना पीना भी तो चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, यानी कि इसको ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए, तो ब्लड सप्लाई तो ज्यादा नहीं डेवलप हुई क्योंकि ब्लड सप्लाई तो कोरोनरी आर्टरीज उतना ही लेके आ रही है, तो प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाता है लेकिन ब्लड सप्लाई उसको अब सफिशियंट नहीं मिल रही जितना उसकी थिकनेस है उसके हिसाब से, उसको जब ब्लड सप्लाई सफिशियंट नहीं मिलती तो फिर वो कहते हैं कि मैं काम भी नहीं करता, जब मुझे खाना पीना नहीं दोगे तो मैं भी काम नहीं करूंगा, तो इस तरह वो लेफ्ट वेंट्रिकल आहिस्ता अपना फंक्शन लूज करना शुरू कर देते हैं। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन लूज करता है, अब पेशेंट को कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस ज्यादा होने की वजह से उसको वही नॉर्मल ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो रही, ठीक है। अब जब जहर ऐसा ऐसा लेफ्ट वेंट्रिकल उतने जोर से पंप नहीं कर पा रहा तो आपका जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज होता जा रहा है, आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रहा है, और जब ये मजीद कम होगा तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आपका कार्डिक आउटपुट जब कम होगा तो हार्ट को ब्लड सप्लाई और कम होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन और कम होगा, क्योंकि हार्ट को भी तो ब्लड सप्लाई तभी आएगी ना जब कार्डिक आउटपुट आएगा, तो कार्डिक आउटपुट कम, हार्ट की ब्लड सप्लाई और कम, और ये विशेष साइकिल चलता रहता है जब तक कि आपका स्टीनोसिस बहुत सिवियर हो जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन करना बिल्कुल छोड़ दे, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो जाए। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होगा तो ज़ाहिर है बैक प्रेशर इंक्रीज होगा लेफ्ट एट्रियम में, और वहां से बैक प्रेशर इंक्रीज होगा आपके लंग्स में, और लंग्स में आपका पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसे एंड में डेवलप होते हैं। और दूसरा, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर इस तरह से हो सकता है कि आपका स्टीनोसिस बहुत सिवियर होता जा रहा है, और सिवियर स्टीनोसिस होता जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल बेशक पंप करता भी रहे जोर से, लेकिन अगर स्टीनोसिस सिवियर होता जाएगा तो जाहिर है कि वो पंप के करने के बावजूद कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगी, और फिर वही बात है, कार्डिक आउटपुट जब जब डिक्रीज होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की ब्लड सप्लाई भी और डिक्रीज होती जाएगी, और आखिरकार लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में चला जाएगा एंड पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर पेशेंट को जो मसला हो रहा है वो ये कि अगर नॉर्मल हालात में आपके लेफ्ट वेंट्रिकल ने अपने आप को हाइपरट्रोफी करके जोर से कॉन्ट्रैक्ट करके कार्डिक आउटपुट को मेंटेन रखा हुआ भी है, तो जब जब पेशेंट स्ट्रेसफुल कंडीशंस में जाएगा, सपोज सिंपल कोई इमोशनल स्ट्रेस है या उसको एक्सरसाइज करनी है, तो स्ट्रेस में अब उसको हार्ट को पंप और ज्यादा, बॉडी को कार्डिक आउटपुट और ज्यादा चाहिए, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है,
डिमांड जब इंक्रीज होती है तो हार्ट पंप तेज तेज करता है, अब वो तेज कर रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल बेचारे के पास, वो अपनी ब्लड सप्लाई थोड़ी पड़ी हुई क्योंकि उसकी अपनी वॉल थिक है, वो कहां से देगा पूरे जिस्म को ब्लड, मसल्स को ज्यादा चाहिए होता है ना ब्लड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एनी इमोशनल स्ट्रेस आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को चाहिए होता है, तो जब वो ब्लड सप्लाई मेंटेन नहीं हो पाती ना एक्सरसाइज के दौरान, और खासतौर पर हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही होती क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल थिक है, तो फिर पेशेंट को एंजाइना जैसे सिम्टम्स आते हैं, उसको चेस्ट पेन होती है क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो रही, इस्कीमिक पेन उसे शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ एंजाइना के साथ जब उसकी ये एंजाइना तो उसे तब होगा ना जब उसके हार्ट को ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो रही होगी क्योंकि उसकी हाइपरट्रोफी हुई भी है और डिमांड भी ज्यादा है, और फिर दूसरी बात है कि जब उसके बाकी सारे पेरिफेरल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो रही, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हुई हुई है और एक्सरसाइज भी चल रही है, उसके ब्रेन को सप्लाई पूरी नहीं जा रही, तो फिर उसे क्या हो सकता है, उसको चक्कर आ सकते हैं, सिंकपी हो सकती है, गिडनेस फीलिंग हो सकती है, ठीक है, तो ये उसके फीचर्स आने लग जाते हैं, और उसके साथ साथ उसका सांस उखड़ेगा, ब्रेथलेसनेस होगी क्योंकि उसके लंग्स में ऑक्सीजनेशन तो हो रही है लेकिन वो ब्लड सप्लाई लंग्स को भी पूरी नहीं जा रही, तो मतलब डिफरेंट तरह से जो पेशेंट है वो आपके पास इस तरह से आ सकते हैं। तो आपका जो एक टिपिकल सा पेशेंट होता है ना जिसके तीन टिपिकल फीचर्स होते हैं जो आपका एओर्टिक स्टीनोसिस का जो प्रेजेंटेशन फीचर्स है वो यही तीन है जो मैंने भी आपके सामने बोल दिए, एक है आपका एंजाइना चेस्ट पेन, दूसरा है आपका सिंकपी एंड तीसरा आपका ब्रेथलेसनेस। अब मैंने आपको बता दी कि एंजाइना कब डेवलप होगा, हो सकता है नॉर्मल हालात में रेस्ट पे उसको एंजाइना डेवलप ना हो, एओर्टिक स्टीनोसिस नॉर्मली अगर माइल्ड हो इवन मॉडरेट भी हो तो कई बार अनडायग्नोस्ड होता है, नहीं पता चलता कि पेशेंट को है या नहीं, ठीक है, क्योंकि पेशेंट का एंजाइना वो होता ही नहीं है हमारे पास, इतना एंजाइना डेवलप ही नहीं होता, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी करके उसको कॉम्पेंसेट कर देता है, ठीक है। लेकिन आपका पेशेंट का एंजाइना कब आपको शो होता है, खासतौर पे स्ट्रेसेस के टाइम पे, जब स्ट्रेसर्स आते हैं, हार्ट की डिमांड और पूरी बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है ब्लड की, वो पूरी नहीं हो पाती, हार्ट में इस्कीमिक पेन शुरू हो जाती है, ठीक है, उस वक्त पेशेंट एंजाइना के साथ प्रेजेंट करते हैं। सिंकपी का मैंने आपको बता दिया, जब ब्रेन को नहीं मिलेगा ऑर्गन परफ्यूजन नॉर्मल नहीं होगी उसकी, तो सिंकपी गिडनेस फीलिंग आएगी एंड पेशेंट को ब्रेथलेसनेस क्यों आएगी कि जाहिर सी बात है अब आपका जो हार्ट है वो सही से पंप नहीं कर रहा, कार्डिक डिकॉम्पेंसेशन में जा रहा है पेशेंट हमारा, उस पर लोड बढ़ावे तो एक तरह से तो ये कि लेफ्ट वेंट दो तरह से हो सकती है, एक तो ये कि आपकी जब कार्डिक आउटपुट ही बॉडी में नहीं जाती तो कार्डिक आउटपुट से आपका लंग्स में भी ब्रोंकियल वेसल्स जाती हैं जो सप्लाई करती हैं, वो भी आपके लंग्स को नहीं लेके जा रही होती ब्लड, तो आपके लंग्स भी हाइपोक्सिक फील कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपकी जो मेजर होती है ब्रेथलेसनेस की, वो ये कि आपका बैक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है अब लेफ्ट वेंट्रिकल पे, जब कार्डिक आउटपुट ज्यादा नहीं जा रही क्योंकि स्टेनोसिस बहुत सिवियर है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे बैक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट एट्रियम पे और आपके लंग्स पे जा रहा है, लंग्स पे प्रेशर जाएगा तो ज्यादा पेशेंट ब्रेथलेसनेस के साथ प्रेजेंट करेगा, हाइपोक्सिया के उसको फीचर्स आएंगे क्योंकि ब्लड आगे नहीं जा रहा सही से, ठीक है। तो ये पेशेंट के टिपिकल प्रेजेंटेशन के फीचर्स होते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस पे आप डायग्नोसिस नहीं बना सकते क्योंकि ये फीचर्स बहुत सारी डिजीजेज में होंगे, ये याद रखना कि आपके पास जब सिनेरियो आएगा ना तो पेशेंट का प्रेजेंटेशन के फीचर्स यही होंगे, पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद एपिसोड्स ऑफ ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन एंड फीलिंग ऑफ गिडनेस स्पेशली आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है। अब उसके बाद आपने डायग्नोसिस किस बात पर बनाना है, आपके पास जो पेशेंट आएगा उसकी सबसे पहले तो आप देखते हैं कि चेस्ट एग्जामिनेशन आपने की, ठीक है, हिस्ट्री तो होगी ना, एग्जामिनेशन पे आपको सबसे पहली जो चीज मिलती है, हमने क्या पढ़ा था कि जब रास्ता तंग होता है स्टीनोसिस होता है तो ब्लड बीच में से गुजरेगा, अब ये मेरे पास एक वैल्व है, ठीक है, ये तंग है, ये रास्ता इसके तरह तंग है, अब ब्लड यहां से गुजरेगा तो वैल्व के साथ टकराएगा तो आवाज पैदा होगी तो जाहिर सी बात है उस एक्स्ट्रा साउंड को हम क्या कहते हैं, मरमर। अब ब्लड यहां से कब गुजरेगा, ब्लड यहां से तब गुजरेगा ना जब पीछे से लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पुश या पंप करेगा, कब करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, जब सिस्टली चल रही होती है, ठीक है, सिस्टली में लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है ना, तो पीछे से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया, सिस्टली में ब्लड आगे जा रहा है, ब्लड को रास्ता नहीं मिल रहा, मरमर सुनाई दी, और ये मरमर नॉर्मल नहीं होती, दिस इज वेरी हार्श सिस्टोलिक मरमर, या फिर हम कहते हैं हार्श इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। इजेक्शन का मतलब है कि जब ब्लड सिस्टली के एंड पे पंप होना होता है टुवर्ड्स द ऑर्गन या टुवर्ड्स एओर्टा, उस टाइम आपको बहुत ही हार्श मरमर सुनाई देती है, और इस तरह से होती है कि जैसे आप आरी से कुछ काट रहे हो ना, मतलब उस तरह की इतनी हार्श इसकी साउंड होती है, और ये रेडिएट कहां करती है, टुवर्ड्स नेक जाती है, तो इसी से आपको ये हार्श इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर से आपको याद है कि मर्मर हमने पढ़ी थी हमारे माइट्रल रीवेजिटेशन में भी और माइट्रल स्टीनोसिस में भी, लेकिन डिफरेंस क्या था कि आपको अभी मैं यहां पर ही साथ ही वो कॉरिलेट कर लेते हैं कि माइट्रल स्टीनोसिस में जब मर्मर आती है तो वो आती है डायस्टली में, क्योंकि डायस्टली में ब्लड ने आना होता है एट्रिया से वेंट्रिकल में और उस टाइम रास्ता तंग उसे मिलता है तो मर्मर आती है, ठीक है, तो माइट्रल स्टीनोसिस में
डायस्टोलिक मर्मर आती है, लेकिन मिट्रल रीगर्जिटेशन में आती है आपके पास सिस्टोलिक मर्मर। अब उस सिस्टोलिक मर्मर में और इसमें क्या फर्क होता है, पहली बात ये कि ये हार्श होगी, वो हार्श नहीं होगी जो मिट्रल रीगर्जिटेशन में आ रही है। दूसरी बात, वो मिट्रल रीगर्जिटेशन वाली मर्मर आपकी रेडिएट करती है टुवर्ड्स एक्जिला, क्योंकि वो उस साइड से रिलेटेड होती है। ये मर्मर आपकी रेडिएट करती है टुवर्ड्स योर नेक, इसको कैरेटिड्स की तरफ रेडिएट करना या नेक की तरफ रेडिएट करना इस तरह से कहते हैं हम, ठीक है। और ये वेरी वेरी हार्श इन साउंड होगी, वो हार्श नहीं होगी। और एक और बात हमने क्या कहा है कि अब देखें, हमारा मिट्रल वेल स्टेनोसिस का मतलब ये है कि ये रास्ता इसमें तंग है। जब रास्ता तंग हो जाएगा तो आपको पता है हमारी हार्ट साउंड्स की बात करते हैं, नॉर्मल साउंड S1 साउंड बनती है जब आपका ट्राइकस्पिड वेल्व और मिट्रल वेल्व बंद होते हैं, वो दोनों वेल्व नॉर्मल है तो नॉर्मल साउंड आएगी। S2 साउंड बनती है जब आपके एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व बंद होते हैं। अब आपका एओर्टिक वेल्व में कहीं ना कहीं पर मसला है, वो स्टीनोसिस है, उसका रास्ता तंग है, इसका मतलब हो सकता है अगर एओर्टिक स्टीनोसिस के साथ एओर्टिक रीगर्जिटेशन भी हो रही है। मतलब कई बार ऐसा होता है दोनों चीजें हो रही होती है, एओर्टिक का रास्ता तंग होता है यानी ये पूरा खुल भी नहीं रहा होता और पूरा बंद भी नहीं हो रहा होता। पूरा बंद नहीं होगा तो आपकी जो S2 साउंड है वो आपको थोड़ी सी स्लो सुनाई देगी, सॉफ्ट सुनाई देगी, क्योंकि एओर्टिक वेल्व तो बंद हो ही नहीं रहा सही से, पल्मोनरी खाली बंद हो रहा है, तो खाली पल्मोनरी की साउंड आएगी तो कम आएगी ना। तो आपके पास ये भी एक बड़ा अच्छा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है कि पहली बात हार्श इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है रेडिएटिंग टुवर्ड्स द नेक या कैरोटिड है, एंड जो सेकंड हार्ट साउंड है वो सॉफ्ट हो जाती है। और जो सेकंड हार्ट साउंड सॉफ्ट होती है तो उसका अक्सर यही मतलब होता है कि एओर्टिक स्टीनोसिस है, लेकिन वो थोड़ा बहुत रीगर्जिटेशन का भी फिनोमेना है क्योंकि वो पूरा बंद भी नहीं हो रहा। लेकिन आपका ये हार्श इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर टुवर्ड्स द नेक विच इज नॉर्मली Grade 3 मर्मर यानी काफी ऊंची होती है, ये आपकी होती है डायग्नोस्टिक। इस बार आप डायग्नोसिस बना लेते हैं, आपके पास सिनेरियो यही आएगा, क्लिनिकल फीचर्स जो मैंने आपको बता दिए पहले पेशेंट के वो होंगे और आगे वो ये बता देंगे, ठीक है। उसके अलावा और कोई बात नहीं बताएंगे। एंड यस, आपको ये कह देंगे एको पे आपको लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रोफी मिली है, क्योंकि लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रोफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एओर्टिक स्टीनोसिस है, मतलब हमेशा ही हुई हुई होती है। हो सकता है वो आपसे कहते हैं कि ECG में लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रोफी के चेंजेस थे, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पे स्ट्रेन पड़ना। अब देखिए आपके साथ एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती चलूं यहाँ पे, कि आपके पास मैंने अभी जिस तरह आपको कुछ फीचर्स बताए थे कि आपका राइट साइड पे इन्फार्क्ट होगा तो ये चीजें आ गई, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में इन्फार्क्शन होगा तो ये चीजें ECG में आ जाएंगे। अब आपको अगर मैं कहूँ कि लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रोफी में ECG पे चेंजेस बताए तो जाहिर है एकदम से बंदे को नहीं आता होता, नहीं समझ में आता कि क्या बताया, क्योंकि हमने तो शायद पढ़ा ही एकदम से ये जहन में आ जाते हैं, लेकिन उसका करना अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता। क्योंकि ये देखिए ना कि फिनोमेना क्या चल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्ट होने का मतलब होता है कि लेफ्ट हार्ट फेलियर हो रहा है, लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया ना, लेफ्ट हार्ट काम नहीं कर रहा, उसमें जो चेंजेस आते हैं वो थोड़े और तरह के होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का मतलब ये है कि अब इस पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है हार्ट पे, हार्ट पे जब प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ने लग जाता है तो हार्ट पे लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल पे स्ट्रेन के फीचर्स आएंगे, और वो स्ट्रेन के फीचर्स बहुत ज्यादा सिमिलर या मिलते जुलते होंगे जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन में आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका वो वाला एंजाइना जो अनस्टेबल होता है जिसमें आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती उसे नॉर्मल, उसमें आते हैं। क्योंकि यहां पर भी आपका लेफ्ट वेंट्रिकल को हाइपरट्रोफी की वजह से ब्लड सप्लाई पूरी नहीं मिल रही, और वहां पर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से पूरी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती। तो इसमें अगर ECG के फीचर्स की बात करूं तो सेम वही वाले फीचर्स है कि Lead 2, Lead 3 और AVF जो आपके लोअर या इन्फीरियर पोर्शन ऑफ हार्ट को शो करती है इनमें, और Lead V5 और V6 जो आपके लैटरल पोर्शन ऑफ हार्ट को शो करती है इनमें खसूसन आपको चेंजेस नजर आएंगे। वो चेंजेस क्या होंगे, ST सेगमेंट डिप्रेस नजर आएगा, T-wave इन्वर्जन नजर आएगी, ठीक है। ये जिस तरह से आ रहा था ना PQRS, ST सेगमेंट डिप्रेस, T-wave इन्वर्जन, हमने यही पढ़ा था कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर जब वो हो रहा होता है ना, डिक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई हो रही होती है, जो हमने अनस्टेबल एंजाइना में पढ़ी थी, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि Lead 2, 3 AVF में, Lead V5, V6 में आपके लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में चेंजेस नजर आते हैं हमें, तो ये बहुत पर्टिकुलर सी बात होती है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के ECG चेंजेस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली बात आ जाती है कि हमने इन्वेस्टिगेट क्या कराना है, हम ECG कराएंगे। मैंने आपको बता दिया कि आपको हो सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के चेंजेस उसमें मिल रहे हो, हो सकता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक ही हो गया, और बकायदा वो ब्रांच बंडल ब्रांच ब्लॉक तब होता है जब आपका इतना सिवियर स्टेनोसिस था कि उसने आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को भी खराब कर दिया, कि नॉर्मली इतना जल्दी नहीं होता, नॉर्मली तो पेशेंट्स को ही नहीं होता। अच्छा, चेस्ट एक्सरे आप करेंगे उसमें आपको लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा इसमें बहुत लेट स्टेजेस में फेलियर में डेवलप होता है, वो आपको नहीं मिलता नॉर्मली। नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज हाली आप इंक्रीज देखते हैं, और AP शेडो में आप देख लेते हैं कि वेल्व्स कैसे हैं। अच्छा, एको कार्डियोग्राफी इज डायग्नोस्टिक, इसमें आपको वेल्व्स की कहानी सारी नजर आ जाती है, कैल्सिफिक है, स्टीनोसिस कितना है, और फाइब्रोस्ड है या क्या मसले, वो आपको नजर आते हैं। फिर आप करवाते हैं डॉपलर एको कार्डियोग्राफी, डॉपलर आपको बिल्कुल प्रेशर भी मेजर करके बता देती है कि कितना है बीच में, और कितना एओर्टिक स्टीनोसिस और कितना सिस्टेमिक सिस्टम में प्रेशर जा रहा है। और फिर आपने कार्डिक कैथेटराइजेशन तब करनी होती है
अगर आपने रूल आउट करनी है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो नहीं है, तो साथ इसके एसोसिएटेड है और ब्लड सप्लाई मजीद डिक्रीज करे, मैंने आपको इसका प्रोसीजर पहले बताया है। अब आपने ट्रीट कैसे करना चाहिए अगर पेशेंट बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बल्कि बहुत ज्यादा ऐसा ही होता है कि पेशेंट्स किसी रूटीन टेस्ट के लिए अपनी एको कराते हैं तो उनका ये निकल आता है एओटिक स्टेनोसिस और उनको वैसे कोई साइन और सिम्टम नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट्स को आपने सिर्फ फॉलोअप पे रखना होता है कि एक या दो साल बाद वैसे हम कहते हैं कि वो अपनी एको करा लें और उस पर पता चलता रहे कि कंडीशन ज्यादा फॉरवर्ड मजीद बिगड़ तो नहीं रही। और अगर सिवियर स्टेनोसिस के पेशेंट हैं और तब भी उन्हें कोई सिम्टम नहीं आ रहा, उनका बाकी सब नॉर्मल है, तो फिर आप उनको हर 6 महीने में एक दफा डॉपलर एको करेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि उनका स्टेटस खराब तो नहीं हो रहा। तो ये सिम्टोमेटिक में आपने कोई और करना कुछ नहीं होता। सिम्टोमेटिक डिजीज जिनको होगी, जिनको ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, उनमें फिर आपने एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट इज द सर्जरी ऑफ चॉइस जो आपने करनी होती है, उसमें आप एओर्टिक वाल्व को पूरा रिप्लेस कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन होती है वो होती है ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये आपका एक और तरीका है जिसके जरिए आप कैथेटर के जरिए आप एओर्टिक वाल्व को इम्प्लांट कर देते हैं वहां पर एओर्टिक स्टेनोसिस वाली जगह पर, मतलब सही वाला एओर्टिक वाल्व इम्प्लांट कर देते हैं। ये जरा मिनिमली इन्वेसिव तरीका है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि बहुत थोड़ा सा स्टेनोसिस है और हाल ही आप ये करेंगे कि आप उसी तरह से वाल्व के बीच में बलून पास करेंगे, बलून इन्फ्लेट करेंगे तो वो खुल जाएगा और उसका जो थोड़ा बहुत कैल्सिफिकेशन है वो ब्रेक हो जाएगी, तो आप ये अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन ये हमेशा थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि एक तो ये आपका आपको डायरेक्ट व्यू नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि आपने ओपन हार्ट सर्जरी तो नहीं की हुई होती, और दूसरा ये कि हो सकता है वाल्व को ज्यादा डैमेज कर दे, मसल्स को डैमेज कर दे। ठीक है, तो ये एओर्टिक बलून वेल्वुलोप्लास्टी इस वजह से थोड़ी सी होती है कि आपकी रिस्क होती है, लेकिन कंजेनिटल केसेस में हम ये ज्यादातर अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, और जो पेशेंट्स आपकी किसी किस्म के कॉम्प्लिकेशन डेवलप करने लग जाए, मतलब एलवीएच है, एलवीएच में प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, बैक में एट्रिया पे चला गया, एट्रियल फिब्रिलेशन होने लगी, उनको फिर आपने एंटीकोएगुलेशन लाजमी देनी होती है ताकि ऐसा ना हो कि वो क्लॉट की वजह से, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से उनकी डेथ हो जाए। तो यहां पर बात खत्म करते हैं, किसी को मसला हो कि नाम। थैंक यू।